वन का टू नंबर पी एक्स बराबर कितना है, एक्स टू दी पावर फोर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और जी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो इसको पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है ना, तो इसको भाग देना है, इसलिए इसको बीच में लिखेंगे, पी एक्स को लिखना नहीं है, पी एक्स बराबर जो है उसको लिखना है। हाँ देखिए जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, तो हम लोग क्लास किसको क्या, हाँ टेंथ क्लास, हमको किसको कैंसिल करने का सोचना होगा, एक्स टू द पावर फोर को, तो यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे टू है और यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, फोर फोर, तो टू यानी एक्स स्क्वायर किसको गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि एक्स टू द पावर फोर होगा, किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से ही, तो गुना करके लिखिए, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स क्यूब दो और एक हो गया तीन, और यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और प्लस प्लस है तो प्लस, और इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स टू द पावर फोर, तो ये पूरा हमको लिखना है, किससे गुना करें किए तो मिला एक्स स्क्वायर को, क्या मिला, एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब वाला टर्म देखिए यहाँ पे है नहीं नहीं है, इसलिए इसको दूर में अलग से लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब, समझ गए, प्लस है यहाँ तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये सब के नीचे नहीं लिखना होगा, नीचे वाला के नीचे सिर्फ लिखना है ना, ये नहीं कि फोर एक्स में प्लस है तो ये माइनस कर रही, ये नहीं, ऊपर वाला को साइन चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे में जो है उसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस दोनों में दिख रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, जब बचा होगा उसको भी लिखिए, प्लस फाइव, और यहाँ माइनस को अब नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, प्लस प्लस को, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, यानी बहुपद का घात क्या है, पहले देख लो उसके बाद बताना, देखिए यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना कि माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स क्यों लेंगे हम लोग, नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और आप लोग माइनस दिए थे, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, बताने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे कैसे हुआ, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस एक्स क्यूब, ये पूरा को कितना से गुणा करके आया, एक्स से, क्या आया, एक्स क्यूब आया प्लस एक्स आया और माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसे ही सीधा सीधे नहीं लिखेंगे, जिसका पावर जो है उसके नीचे वही पावर वाला लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म को स्क्वायर वाले के नीचे, क्यूब वाला टर्म को क्यूब के नीचे, और पावर जिसका वन है उसको, जिसका पावर वन है उसके नीचे, माइनस है प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, सेम सेम है और प्लस माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे, चार में एक गया तो तीन एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, इसलिए जो बड़ा है उसका साइन वो ले लेगा, यहाँ प्लस माइनस है कि घटाना होगा, चार में एक गया तीन, बड़ा का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस दे, प्लस फाइव, समझ गए, अब यहाँ मैक्सिमम पावर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो, तो माइनस थ्री से एक्स स्क्वायर तो है ही, पहले थ्री एक्स माइनस थ्री, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, और थ्री माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, और थ्री एक्स माइनस है तो माइनस, मेरे को माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मिल गया, किससे मल्टीप्लाई करके मिला माइनस थ्री से माइनस। अब बढ़ाते हैं थ्री एक्स को इसके साथ, और थ्री को माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, कैंसिल कैंसिल, और प्लस प्लस कितना हो जाएगा एट, रिमाइंडर कितना हो गया एट हो गया, और भागफल वो हो गया उतना ही करने के लिए बोला है ना, और क्या करना है भागफल एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पी एक्स और जीरो को भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसे करिए भागफल है, लेकिन भाग